तीन कालों में नारी घर से अकेली ना निकले तो कहां रहना चाहिए? पति के चरणों की सेवा में। तो प्रभु कैसा पति होना चाहिए? दुशीलो दुर्भगो वृद्धो धनो रोग्य जड़ो पिवह पति स्त्री भिरुनहा तब्य लोके सुभिरुपात की। दुर्भाग्यशाली हो, अंधा हो, बहरा हो, बीमार हो, अपाहिज हो, तो भी नारी को उसका त्याग नहीं करना चाहिए। लोकेप सुभिरु अपातकी। लेकिन अगर वो पाप कर्म करता है तो कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी सुंदर हो, तो उसका त्याग कर देना चाहिए। एक फैसला आपके हक में है, मनी अंधा बहरा होने पर त्याज नहीं है, लेकिन अगर वो पाप कर्म करता है तो नारी को अधिकार है कि उसका त्याग कर दे। तो लोकेव सुभिरु अपातकी, और दोनों स्थिति है। पति का सदाचरण भी तो इसमें वर्णन है। पति को अगर चोटी रखता है, यज्ञोपवीत पहनता है, गायत्री संध्या करता है, तो नारी के लिए परमेश्वर है, उसमें क्या बात है? वो भी तो अपने धर्म का पालन करे। खाली एक ही धर्म थोड़ी है कि पत्नी को ही धर्म निभाना, पति भी तो धर्म का पालन करे। यहां भारतवर्ष की माताओं के लिए चर्चा हो रही है, क्योंकि ये जो वेद, ये पुराण, ये जो शास्त्र, ये भारत की संस्कृति के लिए बने हैं। भारत की संस्कृति में इनका क्या महत्व है? क्योंकि इन्होंने भारत देश की दिशा और दशा को तय किया है। ये भारतवर्ष की माओं ने किया है, अन्यत्र कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। भारत जैसी मां किसी देश में आप कल्पना भी नहीं करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भारत की संस्कृति के प्रचार के सिलसिले में एक कंट्री के दौरे पर गए थे, एक देश के दौरे पर गए थे। वहां जो उन्होंने देखा बड़ा आश्चर्य लगा। बताएं, चिंतन करें, सभी मात्र शक्ति से कह रहा हूं, चिंतन करें भारत की संस्कृति क्या है। स्वामी जी ने देखा कि एक महिला का पति मर चुका है, महिला अपने पति के कब्र पे पंखा कर रही है। आश्चर्य लगा कि भारत की नारी केवल जीते जी पति को की पूजा करती है, पति मर चुका है और ये कब्र पे पंखा कर रही है। ऐसा तो हमारी भारत की संस्कृति में नहीं है। धन्य है ये मां, उसको प्रणाम किया, ए मां हमारे देश की महिला जीते जी सेवा करती है, तुम मरने के बाद पंखा कर रही हो, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। उसने कहा, स्वामी जी हमारे देश का कानून है, पति के मरने के बाद कब्र की मिट्टी जब तक गीली रहे दूसरा नहीं कर सकती है, मट्टी सूखे तुरंत दूसरा करे, तो हम पंखा लेके आई, हमें दूसरा करना है। आप कल्पना करिए कि हम कहां जी रहे हैं, कल्पना करिए कि ये देश कहां है और कहां विदेश की सभ्यता है, जहां विदेश की महिला मरने के बाद एक दिन इंतजार नहीं कर रही है, कब्र पे पंखा करके मिट्टी को सुखा रही है। वही मुझे कहने में गर्व महसूस होता है कि इस अवागढ़ नगर में, इस पांडाल में एक नहीं, दो नहीं, ऐसी 20-25 माताएं बैठी हैं जो 32 साल में, 30 साल में, 40 साल में विधवा हो गई और पूरा जीवन अपने भाई और भाभी के घर में गुजार दिया, लेकिन उनकी सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। ये भारत की माओं ने करके दिखाया है, पूरा जीवन अपने भाई और भाभी की रोटी पे गुजार दिया, लेकिन उनके सफेद साड़ी में कोई दाग नहीं लगा। भारत की माओं ने किया है। त्याग और तपस्या, बलिदान अगर सीखना है तो भारत की माओं से सीखना है। पूरा जीवन त्याग करती है, जीवन के पहले पक्ष में इसलिए त्याग करती है कि पिता का नाम कहीं डूबने ना पाए, दूसरे पक्ष में इसलिए त्याग करती है कि पति के नाम पर कोई दाग न लगने पाए, और तीसरे पक्ष में भी बुढ़ापे में भी उसे एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि कहीं बेटे पे कोई उंगली ना उठाने पाए कि तुम्हारी माँ, इसलिए कोई कहने ना पाए। तीनों कालों में सारी चीजों को देखती है, इसीलिए भारत की माँ वंदनी है, पूजनी है। उसने त्याग किए हैं, तपस्याएं की हैं,
इसलिए मैं वंदन करता हूं उन माओं को। क्या सुंदर उस मां की छवि है।